दोस्तों द रॉक के नाम से फेमस इस रेसलर और एक्टर का रियल नेम ड्वेन डगलस जॉनसन है। 2 मई 1972 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में जन्म लेने वाले द रॉक इस समय 48 इयर्स के हो चुके हैं और इन्हें दुनिया का सबसे मेहनती और हार्ड वर्किंग व्यक्ति माना जाता है। द रॉक का रिलेशनशिप पहलवानों के एक परिवार से है, जहां इनके दादा पीटर माविया और इनके पिता रॉकी जॉनसन दोनों अपने समय के मशहूर रेसलर्स थे। आज की इस वीडियो में हम आपको द रॉक के बारे में कुछ ऐसे हैरतअंगेज और दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप द रॉक के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द रॉक के परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वे एक रेसलर बने। इनके पिता और इनके दादा सारी उम्र रेसलर रहे और उन्होंने अपनी सारी उम्र गरीबी में निकाल ली। ये वो समय था जब ये रेसलिंग इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस और पैसे वाली नहीं थी। रॉक के पिता ने इन्हें अमेरिकन फुटबॉल यानी कि रग्बी के लिए तैयार किया, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि एक इंजरी के कारण रॉक को हमेशा के लिए रग्बी से बाहर होना पड़ा और इनके पिता का सपना टूट गया और उस समय रॉक बेहद दुखी हुए इस बात से। फैक्ट नंबर 2, रॉक को हमेशा से ही अपने पिता की बॉडी बेहद पसंद थी, इसी कारण वे छोटी सी उम्र में जिम जाने लगे। इन्होंने 14 साल की उम्र में एक ऐसा जबरदस्त शरीर बना लिया था कि स्कूल में सब बच्चों को इस बात का यकीन था कि रॉक कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि कोई अंडरकवर पुलिस वाले हैं, जो स्कूल में किसी की जासूसी करने के लिए एक स्टूडेंट बनकर आए हैं। फैक्ट नंबर 3, रॉक को बेहद छोटी सी उम्र में कई दुखों का सामना करना पड़ा था। रॉक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे बड़ा दुख मुझे उस दिन हुआ था जब मेरे माता पिता हमारे घर की इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं कर पाए थे और उसके लिए हमें उस घर से बाहर निकाल फेंका गया था। रॉक उस समय 15 साल के थे और वे कहते हैं कि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसा समय ना देखना पड़े। प्रोफेशनल जिंदगी में कामयाब होने के बाद इन्होंने अपनी माँ को एक घर उसी तारीख पर गिफ्ट में दिया जिस पर इन्हें और इनके माता पिता को घर से निकाल दिया गया था बचपन में। इस मौके पर इनकी माँ भावुक होकर रो पड़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को जिंदगी में कामयाब होते हुए देखा होगा, मगर वो लोग कामयाबी का राज किसी से शेयर नहीं करते। द रॉक की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। इन्हें दुनिया का सबसे मेहनती शख्स कहा जाता है। ये सुबह 4 बजे अपने जिम में पहुंच जाते हैं, जिसे ये आयरन हेवन कहते हैं। इसके बाद 7 बजे वे अपने दूसरे कामकाज के लिए निकल जाते हैं और रात 10 बजे तक एक बार फिर जिम आ जाते हैं और रात को 12 बजे ये सो जाते हैं और अगली सुबह ये 4 बजे फिर जिम में मौजूद होते हैं। इनके अनुसार वो आदमी जो सुबह जल्दी उठकर सूरज को हरा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जहां दूसरे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तरह तरह के नखरे करते हैं और शूटिंग के सेट्स पर लेट आते हैं और लेट जाते हैं, वहीं रॉक सीधा सुबह 7 बजे अपने काम पर पहुंच जाते हैं। ये तो ना अपना वक्त बर्बाद करते हैं और ना ही दूसरों का। यही कारण है कि इन्हें सबसे ज्यादा फिल्में भी मिलती हैं, जिनकी ये मुंह मांगी फीस भी चार्ज करते हैं। साल 2019 में द रॉक अपनी फिल्मों से 9 करोड़ डॉलर कमा चुके हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 80 करोड़ रुपए बनते हैं। इसका बड़ा कारण यही है कि जितने टाइम में कोई दूसरा बड़ा एक्टर एक फिल्म पूरी करता है, रॉक उतनी ही देर में 3 फिल्में पूरी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, रॉक को पहली बार जिंदगी में 1997 में एक लड़की से प्यार हुआ था। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर दें। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा किसी औरत का हाथ होता है। रॉक को 1997 में डेनी ग्रेशिया से मोहब्बत हुई और उन्होंने इसी साल में इनसे शादी भी कर ली। इन दोनों की पहली मुलाकात एक जिम में हुई थी और डेनी भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थी। इस लड़की की बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छी थी और रॉक को बिजनेस में जितनी भी कामयाबी मिली इसके पीछे डेनी का ही हाथ था। लेकिन रिसेंटली इन दोनों की तलाक हो चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनी ग्रेशिया द रॉक से भी कहीं ज्यादा अमीर और पैसे वाली हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हर व्यक्ति को जिंदगी में किसी खास काम में ज्यादा खुशी मिलती है। रॉक को अपने चाहने वालों का ख्याल रखने में और इन्हें गिफ्ट में गाड़ियाँ देने में खुशी मिलती है। इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये अपने माता पिता से लेकर अपने स्टाफ के हर एक व्यक्ति को अब तक एक एक गाड़ी गिफ्ट में जरूर दे चुके हैं, चाहे वो इनका अपना ड्राइवर ही क्यों ना हो। मानना पड़ेगा कि ना केवल रॉक का बैंक अकाउंट बड़ा है बल्कि इनका दिल भी बहुत बड़ा है। फैक्ट नंबर 8, रॉक की अपनी पहली पत्नी से एक बेटी भी है जो कि 19 साल की है, मिली सिमोन अलेक्जेंड्रा जॉनसन से, जिन्हें आप बहुत जल्द अपने पिता की तरह WWE में रेसलिंग करते हुए देखेंगे। फैक्ट नंबर 9,
रॉकी मूवीज में उनके सारे के सारे एक्शन सीन्स वो खुद नहीं करते बल्कि इनका स्टंट डबल करता है। टेनोई रेड, जिसका नाम टेनोई रीड है, ये व्यक्ति देखने में भी रॉक की तरह ही दिखता है और इसकी बॉडी और हाइट भी रॉक जैसी है। यही कारण है कि मूवीज की शूटिंग के दौरान रॉक के सारे वो एक्शन सीन्स जहां इन्हें चोट लगने का डर है वो सारे सीन्स टेनोई करता है। अपनी जान को खतरे में डालने का टेनोई को काफी अच्छा अमाउंट पे किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टेनोई रॉक के कजन हैं और हर महीने रॉक इन्हें 40 करोड़ रुपए सैलरी पे करते हैं। फैक्ट नंबर 10, द रॉक को आपने हमेशा अमेरिका की ही फिल्मों में देखा होगा, मगर वे सिर्फ अमेरिकन नेशनल नहीं हैं, इनके पिता कनाडा से थे जिस कारण इनके पास कैनेडियन नेशनैलिटी भी है। फैक्ट नंबर 11, आपने रॉक के बहुत से नाम सुने होंगे जिसमें से एक फेमस नाम पीपल्स चैंप भी है, यानी कि हर किसी का चैंपियन, जो सबको साथ लेकर चले। ये नाम इन्हें फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली ने दिया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों द रॉक जहां अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, वहीं हफ्ते में एक दिन वे खूब एंजॉय भी करते हैं। इसे ये अपना चीट डे कहते हैं और इस दिन ये फुल रेस्ट करते हैं और जो दिल में आए वो खाते हैं। अगर आप इनको इनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप भी जानते होंगे कि चीट डे वाले दिन ये पूरा फुल साइज का पिज्जा और 3-4 आदमियों का खाना एक समय में अकेले ही खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 13, रॉक की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें अपनी माँ की जान बचानी पड़ी। जब बैंक की ओर से इन्हें अपने घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया तो इनकी माँ का दिल टूट गया और इनकी माँ सड़क पर जाकर सामने से आने वाली ट्रैफिक के नीचे आकर आत्महत्या करने लगी थी। ये वो समय था जब 15 साल रॉक ने अपनी माँ को पकड़कर साइड में किया और इन्हें समझाया कि समय एक जैसा नहीं रहता और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 14, रॉक उन लोगों में से नहीं है जो खुद बहुत अमीर होने के बाद अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। अपने सारे के सारे गरीब और बेसहारा कजन्स को एक साथ करके रॉक ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है। फिल्मों से आने वाले पैसों से ये बड़े बड़े घर खरीदते हैं जिन्हें ठीक ठाक करके बेचा जा सके और इन पर प्रॉफिट कमाया जा सके। ये सारा काम इनके अपने कजन्स की एक टीम करती है जिन्हें रॉक ने अपने साथ काम पर रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 15, रॉक ने दूसरी शादी 2019 में की लॉरेन से। ये लड़की एक सिंगर और प्रोड्यूसर हैं। लॉरेन 2008 से रॉक की बिजनेस डील्स को भी हैंडल कर रही थी और अब 2019 में रॉक ने इनसे शादी भी कर ली। इनकी दो बेहद ही प्यारी बेटियां भी हैं और इस तरह रॉक की टोटल 3 बेटियां हैं। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों रॉक को अपने चाहने वालों को सरप्राइज देना बेहद पसंद है और अगर ये जिम से एक्सरसाइज करके निकलते हैं और वहाँ कोई फैन मौजूद हो तो ये गाड़ी रोककर उनसे मिलते हैं। इस तरह वे अपने फैंस को सरप्राइज करते हैं। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों अगर आप समझते हैं कि ओबामा अमेरिका के लास्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और अब कोई और नहीं आएगा तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द रॉक आगे चलकर प्रेसिडेंट की रेस में भी कदम रखेंगे। इनकी इच्छा है कि इन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है और इनके जीतने के चांसेस भी बेहद ज्यादा हैं। काले व्यक्तियों का वोट तो इन्हें मिलेगा और गोरे भी इन्हें दिल से पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों बड़े लोगों के दोस्त भी बड़े होते हैं। द रॉक के बेस्ट फ्रेंड केविन हार्ट हैं, जो कि एक कामयाब हॉलीवुड कॉमेडियन हैं। इसके अलावा इनके दोस्तों में प्रिंस सलमान का भी शुमार होता है। इस बात को द रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया था जिसमें वे प्रिंस सलमान को अपने घर खाने पर बुलाने पर धन्यवाद कह रहे थे और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अगली बार तुम मेरे घर खाने पर आना और अगली बार शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी होप दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.